बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं सब मेरी दोस्तें? उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से सब ठीक होंगे। तो मेरी आज की मॉर्निंग रूटीन शुरू हो चुकी हुई है। आज फ्राइडे है हमारा इधर, और फ्राइडे वाले दिन जो हो तकरीबन खाने पकाने और का तो सेम ही मेन्यू होता है। हमारे फ्राइडे में इधर हमारे गेस्ट आते हैं यूजुअली हर फ्राइडे को, लेकिन अभी हमारे चाचू जी और दूसरे जो हैं वो गए हुए हैं कहीं पे, पाकिस्तान गए हुए हैं, इसलिए वो आजकल इन दिनों में हमारे फ्राइडेज इतने बिजी नहीं रहते, वरना हमारा फ्राइडे वाले दिन घर ज़रा माशाल्लाह से भरा हुआ होता है। तो ये मैंने लॉन्ड्री की थी, मैं लॉन्ड्री में से कपड़े निकाल रही थी जो आपने देखे, वो मैंने कहा ड्रायर में डाल दूँ, फिर मैं नाश्ता बनाने किचन में चली गई। तो अभी मैं ये फोल्ड कर रही थी कपड़े, मैंने कहा ये संभाल के तो फिर बाद में ब्रूम लगा के और फिर मैं करूँगी अपनी कुकिंग स्टार्ट, ये साथ साथ हो जाए तो ठीक है, वरना ये ऐसे ही पड़े रहते हैं बिखरे हुए। तो ये सब के जाएंगे अपने अपने कैबिनेट्स में और फिर हम करेंगे अपनी कुकिंग शुरू। अंडरवेयर किस तरह से मैं तय करती हूँ, जिस तरह से आप देख सकते हैं, लेकिन वैसे मैं दूसरी तरह से भी करती हूँ। मैं इस पर भी वीडियो बनाऊँगी वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन में कि किस तरह से की जातनी चाहिए। ये सॉक्स वगैरह और सारी चीज़ें सेपरेट कर ली हैं, मैं हर भाई के सेपरेट कपड़े हैं तो बुंदरी मैं रखूँगी सारे इनकी अपनी अपनी जगहों पे। मेरे कुछ कपड़े थे आयरन करने के लिए, वो मैं कर रही हूँ अभी। ये जो मेरा सूट आप देख रहे हैं, ये ड्रेस मेरा अभी ही आया है, ये भी करंडी का है। आपने मेरी पहले वीडियोज़ के एंड, एक वीडियो थी उसके एंड पे मैंने आपको अपने दो तीन कपड़े दिखाए थे जो कि सर्दियों के मेरे आए थे पाकिस्तान से, एक ब्लैक करंडी का दिखाया था। तो ये पैरेट कलर का है, करंडी कपड़े में ही है, वो उसकी फ्रंट थी, उसके ऊपर कढ़ाई हुई हुई थी, और ये उसकी बैक साइड है, बैक प्रिंटेड ज़्यादा और फ्रंट में कढ़ाई का काम ज़्यादा हुआ हुआ है, तो ये इसका डिफरेंस है। अभी चूंकि मैं काफ़ी मोटी हो चुकी हूँ काफ़ी ज़्यादा, तो पुराना मुझे कोई भी पूरा नहीं आ रहा, तो अभी ये फिर मैंने नए मंगवाए थे अम्मी से। ये इसके साथ शॉल है जो वो ब्लैक कलर का था, उसके साथ बारीक दुपट्टा था, बारीक शिफॉन में दुपट्टा था करंडी के साथ, और लेकिन इसमें ये शॉल है, ये गर्म शॉल इसके साथ है। ये थोड़ा डिफरेंट लगा था मुझे दोनों, मतलब एक के साथ बारीक और एक के साथ शॉल, तो ये मैंने कहा इनको प्रेस करके रख दूँ फिर, ताकि कहीं भी आना जाना पड़े, अचानक से प्लान आपका बन जाता है। तो ये आपके तीन चार कपड़े ऐसे होने चाहिए जो कि बिल्कुल रेडी हों, वार्डरोब में हैंग हुए हुए हों। ये इसके साथ ट्राउज़र, तो तकरीबन ये मेरे थोड़े से ही ड्रेस थे जो मैंने कहा मैं इसे कर लूँ अपने, क्योंकि हो सकता है कहीं शॉपिंग के लिए ही हम चले जाएं, तकरीबन रोज़ ही कहीं ना चले जाते हैं, आज प्लान है हमारा जाने का। दूसरे काम तो हो गए ख़त्म, अब बारी है कुकिंग की। तो अब आज फ्राइडे में हमारा सेम मेन्यू होता है, फ्राइडे वाले दिन हमारे घर पकता है मटन, मटन कोरमा पकता है, और साथ में पकता है ये राइस तो मस्ट होते हैं, मटन कोरमा आज ऑप्शनल था इसलिए मैंने नहीं बनाया, आज सब्ज़ी कोई बनाई है, लेकिन चावल, ये मैं चावल अभी बना रही हूँ। तो चावलों में सेम ही चिकन पुलाव की रेसिपी है, आपने एक प्याज लेना है उसको ब्राउन करना है, फिर एक लहसुन लेना है उसको अच्छी तरह से कूट लेना है। मेरे चार ग्लास चावल हैं तो उनमें ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब चिकन के होंगे, लेग्स के 3 पीसेस करवाए थे वो है, ये माइक्रोवेव में गर्म किया तो मैं तोड़ के ये डाल रही हूँ इसमें, और प्याज एक ही मैं लेती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं लेती। इसके अलावा मैंने मुझे ज़्यादा डार्क कलर चावलों में नहीं अच्छा लगता, तो इस 3 टमाटर मैंने डाले हैं काट के इसमें, और वैसे टमाटर 4-5 होने चाहिए, 4 ग्लास हैं तो आपके 5 के करीब होने चाहिए, लेकिन हमारे ज़रा ख़त्म हुए हुए थे। ये मैंने खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून और ज़ीरा पाउडर नहीं है, साबुत ज़ीरा है, काला ज़ीरा वो एक, काला नहीं सॉरी सफ़ेद ज़ीरा वो मैंने डाला 1 टेबल स्पून, 1 खाने का चम्मच। तो चिकन पुलाव में तकरीबन जब मैं पहले हमें पकाती थी तो तब सिर्फ सब्ज़ मिर्चें ही हम डालते थे, सुर्ख भी नहीं डालते थे,
और लेकिन यहाँ पे मेरे इन लॉज में की फैम यहाँ पे ये लजीज़ा बिरयानी मसाला, सिंधी बिरयानी मसाला डाला जाता है। ये बहुत अच्छा टेस्ट होता है, इसका भी अपना होता है, लेकिन ज़रा बिरयानी में इसका ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन अभी मैं ये डाल रही हूँ, 2 टेबल स्पून मैंने लजीज़ा बिरयानी सिंधी बिरयानी मसाला डाला है, और ये 5 से 6 दाने हैं आलू बुखारे के, वो डाल रही हूँ, और 1 खाने का चम्मच में ये नमक। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे, और ये 3 हरी मिर्चें मैंने डाली हैं गोल गोल काट के। अब वो भुनता रहेगा मसाला, साथ ही में ये रायते के लिए मैंने कहा कि 2-3 आलू बॉयल कर लूँ मैं, क्योंकि चावलों के साथ फिर रायता ना हो तो फिर इतना मज़ा आता नहीं है चावल खाने का। तो ये मैंने इनको काट के इसके अंदर नमक डाल रही हूँ, तो इसको मैं रख दूँगी साथ, ये भी होते रहेंगे। चिकन का कलर चेंज हो रहा है, ब्राउन करना है आपने थोड़ा सा चिकन का कलर, ताकि स्मेल इसकी ख़त्म हो जाए। यहाँ पे फ्रीज़र का चिकन होता है तो फ्रीज किया हुआ होता है, पानी उसका खुश्क होने में ही काफ़ी देर लग जाती है। तो अभी ये खुश्क हो चुका हुआ है मसाला, साइड पे मैंने कहा साफ़ कर लूँ, साइड पे लगा हुआ था, कलर भी चेंज हो गया। अब मैं इसमें डालूँगी पानी। तो पानी का चावलों के हर चावल का अपना हिसाब होता है। जब मैं पाकिस्तान में थी तब हम चावल लेते थे, 2 गिलास पकाए हैं तो हम डबल क्वांटिटी यानी कि 4 गिलास पानी डालते थे, लेकिन अभी ये 4 गिलास मैं पका रही हूँ, ये चावल नए होते हैं तो इनमें मैं 5.5 गिलास पानी डालूँगी। कुछ चावल में 4 हैं तो 5 ही काफ़ी होते हैं, लेकिन ये थोड़े ये मैंने भिगोए भी जल्दी थे, ये थोड़ा गलने में टाइम लेते हैं। जब मैंने शुरू किया था तो सबसे पहले मैंने इनको भिगोया ही था। अभी मैं नमक टेस्ट करूँगी, 1 खाने का चम्मच पहले डाला था मैंने, 1 मैं भर के और डाल दूँगी, तो तकरीबन पूरा हो ही जाएगा, या 2.5 खाने के चम्मच वो पूरे होंगे। तो वो पानी उबलता रहेगा। अभी मैं रायते के साथ तैयारी, ये मैंने प्याज काट के रखे हुए हैं वाइट वाले में, वाइट डब्बे में नमक लगा के उनको प्याज को काट दिया हुआ है। और रायते के लिए सबसे पहले दही लेना है आपने, जितना आपने बनाना है उसी के हिसाब से अच्छी तरह से दही को फेंट लेना है, ताकि फुटकियाँ उसकी अंदर ना रहें। तो उसके बाद आपने ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर डालना है, और नमक इसमें डालेंगे। हमारे घर में तकरीबन दोनों किस्म के रायते खाए जाते हैं, पुदीने का भी और ये वाला भी, आलू प्याज और टमाटर का भी, मुझे ये ज़्यादा पसंद है तो आज मैं यही बना रही हूँ। नमक इसमें डाला, साथ में चावलों को भी मैंने देखा कि वो जब पानी 5 मिनट तक उबल रहा था तो अब उबल रहा है, चिकन भी अच्छी तरह से गल गया हुआ है, तो अब मैं इसमें डालूँगी चावल। एक दफ़ा आपने मिक्स कर देना और फिर ढक के रख देना जब तक गलते नहीं हैं। अब इसमें मैंने रायते में मैंने कुछ नहीं डाला, मैंने सिर्फ नमक, काली मिर्च, प्याज और आलू जो उबले हुए थे उनके क्यूब्स बना के मैंने डाल दिए हैं। टमाटर भी डाल सकते हैं आप, हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने नहीं डाले। तो ये चावलों को बस हो गए, अब दम पे मैं रखने लगी हूँ। मैं इनको रखूँगी ओवन में, उसको मैंने प्री हीट पे लगा दिया हुआ था। अभी ये मैं दस्तरखान गीला करूँगी और ऊपर इसके कवर कर दूँगी। थोड़ा थोड़ा सा अंदर पानी है तो उसी टाइम आपने दम लगाना है। अब मैं इसको 300 डिग्री पे रखूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए, 250 से 300। अगर आपके चावल ज़्यादा कच्चे हैं तो आप 200 पे रखें 20 मिनट्स के लिए, अगर नॉर्मल हैं तो 10 to 15 मिनट्स काफ़ी हैं। वो मेरे दम पे हैं तो रायता भी बन गया। अब आज की जो हांडी बनानी है उसकी बारी है। तो आज के मेन्यू में कल आपने देखा होगा, जब लोबिया पकाने के बाद में फारिग हुई थी तो हम स्टोर पे गए थे की फूड स्टोर से, वहाँ से हम भिंडी लेके आए थे, ये फ्रीज हुई हुई भिंडी है, इसको मैंने धो के रख लिया हुआ था पहले से ही। तो अभी मैं इसको ड्राई कर रही हूँ और फिर इसको मैं काटूँगी। तो भिंडी बनाने की रेसिपी मेरे चैनल पे पहले भी है, मेरी अम्मी ने बनाई हुई है भिंडी, और वो ही मेथड मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है। लेकिन ये भिंडी फ्रीज़ हुई हुई है, तो फ्रीज़ हुई भिंडी को अगर उसी मेथड से बनाएं, मतलब कि आप पहले भिंडी को भूनें फिर अंदर प्याज डालें फिर टमाटर हरी मिर्चें, तो भिंडी अलग अलग से हो जाती है, क्योंकि ये फ्रीज़ होती है, इसमें चम्मच इतना नहीं लाना चाहिए आपको। तो ये फ्रीज़ हुई है, तो इसमें मैं फिर इसको मैं एक थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनाऊँगी,
जो कि मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया था कि इस तरह से ज़्यादा अच्छा रहता है, तो ये उन्हीं से मैंने ये तरीका दूसरा सीखा है, उन्हीं की रेसिपी है। तो इस पे भिंडी पे मैं ये लीमू निचोड़ूंगी, लीमू का जूस। इसमें हम ऑयल डालेंगे कढ़ाई में जितना भी आपको चाहिए। फिर हम प्याज को हल्का ब्राउन करेंगे और दूसरे इंग्रेडिएंट्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और हरी मिर्च। ये चावल मेरे हो गए हुए हैं, इनको मैंने निकाला था तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ एक दफ़ा लाज इस तरह से हुए हैं। तो प्याज को आपने ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, बस थोड़ी देर के लिए 5 से 7 मिनट तक रखना है और फिर उसके बाद आपने हरी मिर्च डाल देनी है और धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। सुर्ख मिर्च मैं नहीं यूज़ कर रही क्योंकि मैं सिर्फ हरी मिर्च करूँगी, हरी मिर्चें ही काफ़ी कड़वी और तेज़ होती हैं। मिर्चें हमारे घर में इतनी खाई भी नहीं जाती लेकिन मुझे पर्सनली स्पाइसी अच्छी लगती हैं। तो ये मैं सुर्ख मिर्च आज नहीं डाल रही, बस सब्ज़ी काफ़ी। और इसी पॉइंट पे आपने टमाटर डालने हैं, हमारे टमाटर ख़त्म हो चुके हुए हैं तो इसलिए आज टमाटर मैं नहीं डाल रही, मैंने लीमू निचोड़ लिया हुआ था भिंडी के ऊपर। फिर 3 से 4 मिनट तक हरी मिर्चों और दूसरे जो मसाले हैं उनको आपने भूनना है, उसके बाद आपने फ़ौरन इसमें भिंडियाँ डाल देनी हैं कटी हुई। और फिर आपने जायके के हिसाब से नमक डाल देना है आपने इसमें, और एक दफ़ा इस चम्मच चला के फिर आपने इसको हल्की आंच पे दम रख देना है और ये पकती रहेंगी। बस इनका यही तरीका है, बहुत जल्दी बन जाती हैं ये भिंडियाँ और बहुत टेस्टी भी होती हैं, मेरी बहुत फेवरेट हैं ये। हमारी अभी इधर सर्दियाँ हैं लेकिन फिर भी इधर मिल जाती हैं तमाम सब्जियाँ, किसी भी मौसम में आपका खाने का दिल चाहे तो फ्रीज में ही मिल जाती हैं। तो अभी वो मेरी हो रही हैं, साथ मैंने साथ शामी कबाब ये मैंने फ्रीज किए हुए थे पहले से, ये मैं बना रही हूँ आपको, इसकी भी मैं रेसिपी ज़रूर दूँगी क्योंकि अभी हमारे ये ख़त्म हो चुके हुए हैं तो अभी इन दिनों में मैं किसी भी दिन बनाऊँगी। तो इसके लिए पानी के अंदर मैंने नमक और रेड चिली पाउडर डाला है, इसको मिक्स करूँगी और साथ 2 अंडे इसमें डाल के फेंट लूँगी अंडों की कोटिंग के लिए। आप इसके साथ, आप चावलों के साथ आलू की टिक्कियां भी बना सकते हैं लेकिन मुझे शामी कबाब ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो मैं वही बना रही हूँ, क्योंकि आलू रायते में पहले से बॉयल करके मैंने डाले हुए हैं। साथ में ऑयल गरम हो रहा है, आपने सारे शामी कबाब को बना लेना है अपने घर के अफराद के हिसाब से। तो ये मेरे हो गए शामी कबाब रेडी। तो हमारा प्लान अभी बन रहा है बाहर कहीं जाने का, तो हम जा रहे हैं, ये कॉस्को स्टोर है उधर। तो ये जो स्टोर है ये काफ़ी, मतलब अगर आपने काफ़ी मिकदार में चीज़ें ख़रीदनी हो यहाँ पे, हम इस तरह से इस स्टोर में नहीं है कि आप सिर्फ़ एक एक आइटम ख़रीदो, जैसे मक्खन की एक टिक्की ले ली या ये वो, नहीं, आपको पूरा एक बंडल सा ख़रीदना पड़ता है जिसमें 4-5 हैं और अच्छी कीमत में भी मिल जाते हैं। अगर आप कि फैमिली बहुत बड़ी है या एक चीज़ बहुत ज़्यादा खाई जाती है तो ये स्टोर आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, इसी स्टोर में फिर शॉपिंग करते हैं जिनकी ज़्यादा बड़ी फैमिलीज़ होती हैं। इसमें तकरीबन हर चीज़ थी, बच्चों के कपड़े, जूते, किताबें, ग्रॉसरी, घर की ज़रूरत की हर चीज़ है, बहुत बड़ा स्टोर है ये। ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही देख रही हूँ आप लोगों की तरह, आप में से हो सकता है किसी ने देखा हो लेकिन मैंने ये फ़र्स्ट टाइम इसका विज़िट किया है। अभी हम वेजिटेबल्स की तरफ आए हैं तो सामान हमारा काफ़ी ज़्यादा हो चुका हुआ था, इनकी कार्ट भी अपनी काफ़ी बड़ी है और वो भी फुल भर गई हुई थी तकरीबन। इस स्टोर में ये सारी चीज़ें हमने ख़रीदी थी, कुछ सीरियल्स वगैरह और इसी तरह ग्रॉसरी थी, घर की कुछ चीज़ें। तो काफ़ी मज़ा आया था मुझे स्टोर पे जाने का। उसके बाद फिर हम लोग एक आंटी के घर चले गए, उधर से हमने डिनर किया और फिर तकरीबन 10:30-11 के करीब हम अपने घर पहुंचे थे। बहुत बिजी डे था फ्राइडे वाला दिन भी हमारा। तो यही था मेरा आज की वीडियो, मुझे यकीन है आज का मेरा दिन की रूटीन अच्छी लगी है, आपको होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।